Hello everyone, how are you? Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very important and interesting chapter circles. This is the second part. इससे पहले हम लोग first part इसका study किए हैं. Today I will discuss about its second part. Okay? कल हम लोगों ने कुछ theorem proofs किए थे. आज इसका जो third theorem है उस पर discuss करेंगे. So let's start, student. सबसे पहले इसमें द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ओके, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट. ओके, अब यहां पे स्टूडेंट कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, तो यहां टू टेंजेंट हम पहले ड्रॉ करते हैं. एक ये है, दो टेंजेंट है स्टूडेंट, लेकिन इसमें एक्यूरेट टेंजेंट हमें लेंथ दिखाना पड़ेगा. एक ये हो गया और एक ये हो गया. ओके, इसका नाम दे देते हैं. जैसे ये सेंटर हो गया हमारा, तो सेंटर आपका ओ से डिनोट कर देते हैं, इसे ए से डिनोट कर देते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया. ओके, ये जो पॉइंट है. अब स्टूडेंट यहां पे कह रहा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हमने ड्रॉ कर लिया, टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी जो सर्कल पे अब ये दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पर गिवेन दैट given that circle O C and AC AC and AB are two tangent tangent from an external point एक्सटर्नल पॉइंट ए. ओके, टू प्रूफ. अब स्टूडेंट हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी इक्वल टू ए सी. ओके, ये हमें प्रूफ करना है. तो अब इसे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ सी एंड ओ बी, ओ सी और ओ बी को ज्वाइन करेंगे. ओके, एंड ऑल्सो ओ ए. ओके, तो सबसे पहले यहां पे ज्वाइन करते हैं.
ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया एंड ये ज्वाइन किया। ओके अब यहां पे वी नो दैट ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, क्लियर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो अब प्रूफ इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ माय स्टूडेंट, क्या क्या यहां पे हमें गिवन है और उससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे इंट्रेंगल ए बी ओ एंड ट्रेंगल ए सी ओ वी हैव OB इक्वल टू OC इक्वल रेडियाई इक्वल रेडियाई स्टूडेंट यहां पे सेकंड आपका क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन है। और थर्ड आपका है बी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि जब भी टेंजेंट और इसका, इससे पहले हमने थ्योरम में प्रूव किया है, थ्योरम वन और टू आप कर सकते हो, ये किस आधार पे होता है, तो जो रेडियस और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके देयरफॉर यहां रीजन आप दे सकते हो। अब ये कौन कौन सा ट्रायंगल यहां पे, ट्रेंगल ए बी ओ, सॉरी ट्रेंगल ए बी ओ एंड ट्रेंगल ए सी ओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके तो कॉन्ग्रुएंट यहां दिखा देते हैं, ओके स्टूडेंट ये किस चीज से हुआ, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ओके ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ कैसे, तो ये 90 डिग्री है, ये आपका साइड इक्वल हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया और वो 90 डिग्री है। तो आर यानी आपका राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस और साइड यानी कोई भी एक साइड, क्लियर है। तो ये जैसे ही हुआ तो अब सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सो ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी प्रूव। ओके स्टूडेंट तो इस तरीके से दिस इज वेरी सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हो, यानी इस थ्योरम को प्रूव इसी तरीके से किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, थ्योरम फोर दिया हुआ है, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इट मींस दो जो ट्रायंगल, दो टेंजेंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है किसी सर्कल पे, दे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके अब यहां पे उसी तरीके का कुछ है, तो यहां पे सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, ये सर्कल हो गया। ओके इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ करना है,
इसे थोड़ा सा और अलग करते हैं यहाँ पे। ओके, इसका सेंटर। अब यहां पे इसको जॉइन करते हैं। अब इसका नेम यहां पे डिनोट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये ओ हो गया, ओ ए बी सी। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले में प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट वाले में स्टूडेंट प्रूफ करना है दे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इट मीन्स इस एंगल को इसे और इसे इक्वल हमें दिखाना है। ओके, तो यहां भी आप लोगों को पता है कि ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे क्लियर दे रहा है टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन। तो अभी हमने इसको क्या किया था, अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, तो कॉन्ग्रुएंट ये होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, सीपीसीटी से तो ये भी प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो आप जो प्रीवियस में अभी ये किए हो तो यहां पे उसी तरीके से इन ट्रेंगल ए बी ओ एंड ट्रेंगल ए सी ओ, यहां पे टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में इसका जो भी है गिवन वो आप लोग लिख लीजिएगा, उसमें टाइम थोड़ा सा ये होता है इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं। क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये प्रूफ करना है। तो इसमें सिमिलरली आप इसको जैसे मैं पहले बताया था, अब इसमें आप डायरेक्ट ये दे सकते हो ये और ये इक्वल है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वल है तो यहाँ सीपीसीटी से आप कर सकते हो, तो ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू टेंजेंट, सॉरी टू टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम पॉइंट एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, तो ये इसका हो गया। सेकंड आप क्या लीजिएगा, एओ इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन है। और ये क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये आपका है इक्वल रेडियाई। ओके, तो इस तरीके से आप ये आपका ट्रेंगल क्या हुआ, देयरफॉर ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए ओ सी बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ओके, देयरफॉर आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी बाय सी पी सी टी प्रूव्ड। अब सेकंड क्या है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू अ सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट।
ओके अब देखिए ये सेंटर सॉरी ये सेकंड नंबर है स्टूडेंट, ये सेकंड नंबर मैंने प्रूव कर दिया ये सेंटर पे, और यहाँ दे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, नहीं सॉरी ये हमारा हम लोगों का ये है। अब इसको हम लोगों को ये वाला प्रूव करना है, ये अब इसे इक्वल दिखाना है, तो सीपीसीटी से ये भी इक्वल हो जाएगा, सेकंड एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए बी ए ओ सॉरी बी ए ओ है एंड सी ए ओ बाय सीपीसीटी। ओके तो अब इस तरीके से आपको दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू ए सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ओके इट मींस ये अब इक्वली इंक्लाइंड, ये जो सेगमेंट है और ये सेगमेंट है ये इक्वल इसे करता है। ओके जो सेंटर से, तो ये आपको इक्वल एरिया भी हो जाएगा, इक्वल आपको क्या हो जाएगा ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका सीपीसीटी से हो गया, एंड आप यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ ये भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट तो ये सीपीसीटी से आपका हो जाएगा। थर्ड वन क्या है, इफ पी टी इज अ टेंजेंट एट टी टू अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड ओ पी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर ओ टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट पी टी। ओके अब यहां पे आपको एक सर्कल है, अब इसमें आपको सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर ओ है। ओके सेंटर आपका ओ हो गया। अब इसमें सेकंड थिंग है, इफ पी टी इज ए टेंजेंट एट टी, टी पे पी टी टेंजेंट है, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है पी है, इसका नाम पी हो गया, इस पॉइंट का नाम हुज सेंटर इज ओ एंड ओ पी, OP का वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स OP की जो वैल्यू है ये गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 17 सेंटीमीटर। ओके OT ये T है, इसकी वैल्यू हमने क्या ली है T है, तो OT की वैल्यू कितना दिया है, OT का वैल्यू स्टूडेंट ये वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ओके तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 17 सेंटीमीटर हो गया। अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसका लेंथ निकालना है। ओके ये लेंथ आपको निकालना है, ये क्या होगा, तो आराम से इसे आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। सबसे पहले given that a circle C O R pair OT इक्वल टू 8 सेंटीमीटर OP इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड एंगल OTP इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो स्टूडेंट गिवन नहीं है, लेकिन इसे हम लोगों को यूज करना है। ओके तो ये गिवन नहीं है, इसे हम लोगों को लिखना है। ठीक है
ना हो ट्रायंगल ओटीपी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल सो ये कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये जब टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये होता है थ्रू बिटवीन द पॉइंट हुज मीट द रेडियस एंड टेंजेंट देन इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो ये 90 डिग्री क्यों होता है ये हमें बताना पड़ेगा. उसके बाद स्टूडेंट तब यहां पे लिखोगे इन ट्रायंगल ओटीपी टीपी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर. ये कैसे होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो टीपी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो टीपी स्क्वायर इक्वल टू ओपी क्या है 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. तो टीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 289 माइनस 64 इट मीन्स 225 यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा इट मीन्स 15. तो हैंस टी पी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आंसर. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेना है. दिस इज वेरी इजी. नाउ द नेक्स्ट वन फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पे इसका फिगर मैं अगर ये कर दूंगा तो आपका काम आसान हो जाएगा स्टूडेंट. सबसे पहले यहाँ पे करें फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट का लेंथ यहाँ पे फाइंड करना है. तो टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है तो सबसे पहले तो सर्कल ही बनाना पड़ेगा. अब वो टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ हुआ है वो टेंजेंट का ये टेंजेंट हो गया. रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ पॉइंट और ये 13 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रॉम अ पॉइंट टू 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो स्टूडेंट लगभग वही क्वेश्चन है तो इसमें आप लोग इसे कर सकते हो. ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपको 13 सेंटीमीटर है तो इसका फाइंड करना है. तो लगभग वही क्वेश्चन है स्टूडेंट लगभग क्या वही क्वेश्चन है. ओके, तो ये आप फाइंड कर सकते हो. फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. क्लियर है. तो ये फाइंड ये 12 हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इसे आप लोग कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन इफ द क्वाड्रिलेटरल साइड्स टच द सर्कल प्रूव दैट सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर. ओके,
सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, देन क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। इफ द क्वाड्रिलेटर साइड्स टच द सर्कल, प्रूव दैट सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का साइड्स टच कर रहा है, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा, ओके स्टूडेंट, इस तरीके का कुछ होगा। अब हमें यहां पे क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अब यहां पे ये आपको प्रूव करना है, जैसे इसका ए बी सी एंड डी, ओके। अब इसमें आपको अपोजिट साइड्स का पेयर, इट मींस ये इसका सम इसका, ये कह रहा है कि ये आपको इक्वल होगा। इफ द क्वाड्रिलेटरल साइड्स टच द सर्कल्स, प्रूव दैट सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो इक्वल होंगे इसके अपोजिट साइड से, यानी दोनों इक्वल होगा। इट मीन्स इसे हमें क्या प्रूव करना है, इसको स्क्वायर प्रूव कर देना है। तो स्टूडेंट मैं इसे आपको हिंट्स दे रहा हूं, ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा, इसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग ने यहाँ पे टेंजेंट का ये हुआ कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, अगर सर्कल पे जाएगा तो वो इक्वल होता है। तो उस हिसाब से ये आपका एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, क्लियर है। तो ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। अगर इसे आप वाई लेते हो तो ये भी वाई हो गया, क्लियर है। अब सिमिलरली अगर इसे आप जेड लेते हो तो ये भी जेड हो गया, इसे अगर आप ए लेते हो तो ये भी ए हो गया। अब एक्स वाई, एक्स और वाई प्लस करोगे तो ये ए और जेड के बराबर होगा। जैसे देखो x प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड, यही हुआ अपोजिट साइड, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम। अब इस दोनों को भी सम करो तो x प्लस ए प्लस वाई प्लस जेड, तो देखिए तो ये दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में इक्वल आ रहा है x वाई ए जेड। तो अपोजिट साइड्स के सम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से इसे आप प्रूव कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसे आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। अब इसमें का जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आउट ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल जो है आपका, एक ये सर्कल ले लीजिए और सेकंड ये ले लीजिए, ओके। इसका सेंट्रल सेंटर जो है वो एक ही है, कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर होता है, क्लियर है। अब इस सेंटर से आपका द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस क्या है, ये आउटर सर्कल है, इसका रेडियस अलग है, और द कोर्ड एसी ऑफ लेंथ 8, यानी ये अब जो है ये कोर्ड है वो इससे टच हो रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है टच होने का, तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ओके स्टूडेंट। अब इसे हम
ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं और इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये बाइसेक्ट करता है। ओके, अब यहां पे ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाइसेक्ट हो जाता है। ये क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये भी फोर हो जाएगा। ओके, ये फोर फोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये फोर सेंटीमीटर और ये भी फोर सेंटीमीटर। जब ये फोर सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट, अब ये जैसे ही फोर हुआ तो इसका लेंथ जो होगा आपको, ये वाला लेंथ ये फाइंड करना है। ये तो गिवन है, ये तो फाइव हो जाएगा, फाइव सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ क्या होगा, फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर। इट मीन्स इसको ओ ले लो, ये ए बी ले लो और इसकी वैल्यू क्या ले लो, ये ए बी हो गया और ये सी ले लो। ओके, अब इसी तरीके से ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट मीन्स ओ सी की, ओ सी इक्वल टू 25 माइनस 16 स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 9, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो इसे आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा। तो ये आपका जो होमवर्क है, दो क्वेश्चंस है, दोनों को तो मैं सॉल्व ही कर दिया हूँ, लेकिन आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, सो अब हम लोग जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसे नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।